नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों खंडवा जंक्शन पर। यार रिमॉडलिंग का कार्य अब जोर पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में जो ब्लॉक लिया गया है इसमें ट्रेनों की संख्या प्रभावित होने वाली बढ़ भी सकती है। फिलहाल में 33 यात्री ट्रेनों को निरस्त किया गया है। बहुत सारी ट्रेनों को आने वाले समय में डाइवर्टेड रूट से चलाया जाएगा और ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। साथ ही जो यात्री सीट आरक्षित करा चुके हैं उन्हें रेलवे SMS और विभिन्न माध्यमों से सूचना भेज रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह स्टेशन एक महत्वपूर्ण रूट में आता है जो कि मुंबई से दिल्ली और मुंबई से पूर्व भारत के साथ साथ उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटियां उपलब्ध कराता है। यहां पर 4 जोनों का क्षेत्राधिकार अलग अलग लोकेशन पर लगता है और खंडवा जंक्शन का जो रीडेवलपमेंट कार्य किया जाना है वह भी भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती साबित होगा। फिलहाल में यहाँ पर यार्ड रिमॉडलिंग के साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो नया हमारा सेक्शन तैयार हुआ है गुड़ी अकोला से खंडवा अमान परिवर्तन वाला और सनावत से खंडवा अमान परिवर्तन वाला, यह कनेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के लिए जो बड़े कार्य किए जाने हैं उसमें पूरे स्टेशन के जो इंटरलॉकिंग पैनल है, ट्रैक बदलने के सिस्टम है, वह चेंज होंगे और यहाँ पर नए डिवाइस भी इंस्टॉल किए जाएंगे जिसके लिए ही पूरी प्रणाली कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगी। ब्लॉक पीरियड में यह कार्य किए जाएंगे। बाकी समय रात के समय कुछ ट्रेनों का जो आवागमन है वह सुचारू रूप से चालू रहेगा। 14 से 23 जुलाई तक कुल 33 गाड़ियां निरस्त हैं और इसके अलावा जो डाइवर्ट की जाने वाली गाड़ियों की भी जानकारी हमने आपको दी थी। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर मथेला स्टेशन के पास से पश्चिम मध्य रेलवे खंडवा स्टेशन से थोड़ा सा आगे जो यार्ड है अकोला लाइन पर, वहाँ से दक्षिण मध्य रेलवे का क्षेत्राधिकार और हमारा जो 3 पुलिया ब्रिज है उसके आगे जो सेक्शन जाता है सनावत की ओर, वहाँ पर पश्चिम रेलवे का क्षेत्राधिकार और खंडवा स्टेशन मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। साथ ही आदर्श स्टेशन बनाने के लिए भी यहाँ पर प्रक्रिया जारी है। प्लेटफार्मों पर भी विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। 3 नंबर प्लेटफार्म को विस्तारित किया जा रहा है, साथ ही जो 4 नंबर प्लेटफार्म है वह भी एक छोटा प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। करीब 8 कोच की गाड़ी यहां से भविष्य में संचालित की जा सकती है और यहां का जो रिडेवलपमेंट कार्य किया जाना है उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह खंडवा जंक्शन का हमारा भुसावल एंड दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी कई बड़े कार्य किए जा रहे हैं जिसमें प्लेटफार्म नंबर 3 का विस्तारीकरण काफ़ी प्रमुख है। साथ ही जो पैनल है हमारे सिग्नलिंग और ट्रैक चेंजिंग आदि के पैनल हैं उनको भी परिवर्तित और संधारित किया जा रहा है। वहीं प्लेटफार्म नंबर 4 का कुछ हिस्सा तोड़कर वहाँ पर ट्रैक की सही तरीके से जमावट की गई है, उसमें यह थोड़ा सा प्लेटफार्म तोड़ना भी पड़ा है और यह जल्द ही प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं प्लेटफार्म नंबर 3 से सनावत लाइन की ट्रेनों की कनेक्टिविटी होने से यहां से सीधे हमारे भुसावल की तरफ गाड़ियां जा सकेंगी और इटारसी की तरफ भी गाड़ियां आवागमन प्रस्थान कर सकेंगी। वहीं हम उम्मीद करते हैं दक्षिण मध्य रेलवे जो हमारा गुड़ी आमला खुर्द वाला सेक्शन शुरू हो गया इसके लिए भी विचार करें, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन के लिए डेमो गाड़ी का संचालन करें। 4 कोच की ट्रेन भी इस रूट पर चलाई जा सकती है, बाकी के दिन मेंटेनेंस के लिए वे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्षेत्रवासियों की गुजारिश हमें कमेंट में प्राप्त हुई। आगामी 22-23 तारीख तक खंडवा जंक्शन का यार्ड रिमॉडलिंग कार्य पूरा किया जाएगा। इसके पश्चात में जो सनावद की तरफ से आने और जाने वाली ट्रेनों की कनेक्टिविटी प्लेटफार्म नंबर 3 से होने के पश्चात में भुसावल और इटारसी की तरफ भी ट्रेनें चलाई जा सकेंगी और जो ब्लॉक है वह खत्म होने के पश्चात में काफ़ी जो सहूलियत रेलवे और यात्रियों को भी भविष्य में होने वाली है। इसी के मद्देनज़र थोड़ी परेशानी वर्तमान में यात्रियों को अगले हफ्ते भर के लिए उठाना, हफ्ते 15 दिन के लिए और उठाना पड़ेंगी।
इसके पश्चात में जो विभिन्न अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की सुविधा खंडवा जंक्शन से विभिन्न जगहों के लिए प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। और भी अपडेट हम समय आने पर आप सभी के साथ में साझा करेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। कृपया यहाँ पर ध्यान दें, ऋषभ भाई के साथ में मिलकर हम इस क्षेत्र की वास्तविक अपडेट आप सभी को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उनके चैनल पर भी कल से अपडेट आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए उनके चैनल पर भी बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।